मजीद ने मशहूर मारूफ शफा बख्श मकाम तातापानी का दौरा किया। इस दौरान उनके हमरा तातापानी ट्रस्ट के चेयरमैन तहसीलदार गोल भी थे। इस दोनों अफसरान ने शफा बख्श मकाम यानी तातापानी पर जायरीन की सहूलियात का मुकम्मल जायजा लिया। इस मौके पर एसडीएम गोल ने मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि तातापानी गोल एक निहायत ही मशहूर और शफा बख्श मकाम है। यहां पहाड़ियों के बीच से गर्म पानी के चश्मे बहते हैं जिससे दूर दूर से लोग आकर मुख्तलिफ बीमारियों से शिफा याब होते हैं। एसडीएम गोल का कहना था कि चंद ही माह यहां पर जायरीन की काफी भीड़ रहती है, इसलिए इंतजामिया ने जायरीन की सहूलियत के लिए कब्लो अज वक्त ही इंतजाम किए गए हैं। तिब्बी सहूलियात हो या सफाई सुथराई, उसके इंतजाम तमाम शोबों को सख्ती से हिदायत दे दी गई है कि इसके इंतजाम किए जाए। जिम्मेदारी के साथ अपने फराइज को अंजाम देने की भी तलकीन की गई है ताकि दूर दूर से आते हुए मेहमान यानी आने वाले जायरीन को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उधर मकामी लोगों ने इंतजामिया की जानिब से कब्ल अज वक्त जायरीन के लिए सहूलियात फराहम करने के लिए शुक्रिया अदा किया। ये सीज़न होता है यहाँ पर कश्मीर वैली से और आसपास के इलाके जो हमारे जम्मू कश्मीर के हैं वहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर नहाने के लिए। यहाँ पर ये जो पानी होता है तो इससे बहुत सारी उनके बीमारियों का इलाज हो जाता है। तो जहाँ तक सहूलियात का ताल्लुक है, हमने यहाँ पर टॉयलेट्स देखे, हमने पानी देखा, हमने सफाई देखी, हमने बाकी जो सराय यहाँ पर गवर्नमेंट की है या प्राइवेट है उनका भी देख लिया। और हमने खुद ये जो जायरीन हैं इनसे पता किया कि किस तरह के चार्जेस ले रहे हैं, जो चार्जेस हमने इनको अलाउ किए थे वही हैं क्या हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब ने ठीक ही कहा, ऐसी कोई ओवर चार्जिंग नहीं हो रही है। जहाँ तक सफाई का सवाल है तो हमने इंस्ट्रक्शंस आज ही दे दी हैं। उन्होंने सीजन आने से पहले ही इसका जायजा लिया था तातापानी का कि यहाँ का क्या क्या कमियां हैं, और उन्होंने लाइटें या अपना रंग रोगन जो है वो पहले से शुरू करवा दिया था। बड़ा अच्छा प्रोग्राम, अच्छा उद्घाटन किया उन्होंने और सीजन भी जो है बहुत बढ़िया चल रहा है। तो हम एसडीएम साहब का, तहसीलदार साहब का, सारे अपना एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। कम से कम महीने में ये तकरीबन 2-3 बार विजिट तातापानी का करते हैं और यहाँ पर हर दुकानदार का या जो भी यहाँ टूरिस्ट आते हैं उनका जो भी उनके मसाइल होते हैं वो सुनने के लिए हर हफ्ते में आ जाते हैं। तो तहसीलदार साहब ने जो ये काम किए मुझे लगता है बहुत बढ़िया काम किया, और पानी के लिए भी इनको इंटरेक्शन दी कि कल एक और स्टैंड लगा देना यहाँ पे। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे हाजिर।